एक तो आज इतनी ज्यादा गर्मी और ऊपर से पंखा हवा कम और हीटर वाली फीलिंग ज्यादा दे रहा है। आइडिया, वैसे हमें तब पता चलता है कि गर्मियां आ चुकी हैं जब हमारा शरीर एक चलता फिरता झरना बन जाए। आखिर ये तपती जलती गर्मी कब खत्म होगी? अयो, तपती जलती गर्मी मेरी छोटी बहन का नाम है जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चुटकी के बारे में बोलने की? और तुमको अगर कोई बात करनी थी तो इसकी शादी की बात कर देते, इसके हाथ ही पीले करवा देता। पर मेरे हाथ तो पहले से ही पीले हैं सूर्य कुमार भैया। तुम अंदर जाओ चुटकी, बाहर बहुत गर्मी है, रंग फीका हो जाएगा। और तुम लोगों को तो मेरी जय जयकार करनी चाहिए, जितना विटामिन डी मैंने तुम लोगों को खैरात में बांट दिया अब तक। दूसरे देशों के लोगों से मेरी कदर करना सीखो, वो तो एक मजाक भी नहीं सुन सकते मेरे खिलाफ। वेलकम टू द ऑस्कर गाइस। तो आज का ऑस्कर शुरू करते हैं एक जोक के साथ। आखिर सूरज कॉलेज क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कितनी सारी डिग्रीज है। हाँ भाई, बाद में बात करता हूँ, फोन अभी ठंडा नहीं हुआ। शायद शाम तक मुझे भी फ्रिज में रह लेना चाहिए। कुछ लोगों के चेहरों पे गर्मियों का सीजन आते ही ऐसी चमक आ जाती है कि पूछो मत। और दूसरी तरफ मेरे जैसे लोग जिनको आधा टाइम गर्मी लगती है और आधा टाइम प्यास। तुम बाहर कैसे निकलती हो? इतना ज्यादा भी नहीं है। अब तुम चाहे क्रीम लगाओ चाहे कपड़ा, कोई तरकीब काम नहीं आने वाली तुम लोगों की। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। Mission failed. दोपहर की गर्मी में दुकान से सब्जी लाना इतना भी आसान नहीं है। मम्मी ये लो आपकी सब्जी। मुझे अब इतनी ज्यादा प्यास लगी है कि पानी पीने का कोई ओलंपिक स्पोर्ट्स होता तो मैं पक्का जीत जाता। हाँ इस पानी ने तो अंदर का मौसम ही बदल दिया। डूड सच में बारिश हो रही है, मॉनसून आ चुका है। स्कूटर है मेरा, स्कूटर बेटा छत से जल्दी कपड़े उतार ले, भीग जाएंगे। बनाने को तो और भी लंबी वीडियो बना सकता था पर गर्मी बहुत है तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और जाते जाते जरूर लाइक सब्सक्राइब।
और शेयर जरूर कर देना। सॉरी क्रिस्पी डूज, थप्पड़ के लिए गर्मी थोड़ी ज्यादा हो गई थी इसलिए होश को बैठा।